अभी हम लोग वोल्टास का डिशवॉशर चेक देख रहे हैं, जो DTS है इसका मॉडल नंबर। और ये डिशवॉशर जो है बहुत कम फैमिली, दो तीन फैमिली के लिए बहुत ही सूटेबल डिशवॉशर है। और यहाँ देख सकते हैं आपको दो रैक का ऑप्शन है यहाँ पर, और यहाँ पे ये सॉल्ट डिटर्जेंट डालने के लिए और रिंसेड के लिए, ये है लिक्विड डालने के लिए, रिंसेड इसमें ऐड होगा। तो रिंसेड यहाँ डालना है आपको, रिंसेड का ये सेटिंग है, सेटिंग चेंज कर सकते हैं आप यहाँ सर, कोई भी एक लेवल पे रख सकते हैं। जब आपको अच्छा क्वालिटी चाहिए तो रिंसेड का सेटिंग चेंज कर सकते हैं आप यहाँ से। चेंज करने के बाद यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे आप डिटर्जेंट डाल सकते हैं जो आप डिश वॉशर में यूज़ करते हैं वॉशिंग के लिए डिटर्जेंट। तो यहाँ पर डिटर्जेंट अपने अकॉर्डिंग डाल देना है आपको। हो गया, ये खोलने का भी होगा, इसे हटाइएगा खुल जाएगा, यहाँ से डालिएगा बंद हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला कैप लॉक हो गया। और ये वाला में देख लीजिए, सॉल्ट डालना है वहाँ वाला, तो ये वाला में समझ गई ना। एक बार आपको इसके विंग्स को घुमाकर देख लेना, वो फ्री मूव होना चाहिए ऊपर नीचे दोनों का। अगर आपको डिशवॉशर में हार्डनेस का लेवल सेट करना है तो डिस्प्ले में आप क्या दबाएंगे? पी और इस पाउस, पी और पाउस को दोनों को साथ में दबाए रखिएगा ना, तो यहाँ पे एच करके आएगा हार्डनेस लेवल, फिर उसको डिले से या स्टार्ट से चेंज करके छोड़ दीजिएगा, वो अपने आप सेट हो जाएगा। मतलब कितने पे रखेंगे फिर? बढ़ा लीजिएगा लेवल ऐसे, एच G1 से लेकर एच आपको 6 तक जाता है। अच्छा, अभी एच 4 हम रखे हैं, मान लीजिए अच्छा नहीं धुला कभी ऐसा लगा तो उसको चेंज कर लीजिएगा।